हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुरमुरे का डोसा और उसके साथ चटपटी सी चटनी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मुरमुरा लिया है मैंने एक बाउल, और यहाँ मैंने हाफ बाउल मैंने यहाँ पे रवा लिया है। सबसे पहले हमें मुरमुरे को और रवा को दोनों को हम यहाँ पर पानी में सोक करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे जो मुरमुरे हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे। तो मुरमुरे में हमने अच्छे से पानी डाल दिया है, अब हम रवा को भी सोक करेंगे। तो रवा में सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे दही, तो हम यहाँ पे 4 चम्मच दही डालेंगे। दही अगर थोड़ा सा खट्टा भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भी पानी डाल करके अच्छे से मिला लें। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम दोनों पे प्लेट कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमारा जो मुरमुरा है वो सॉफ्ट हो चुका है और हमारी जो रवा है वो भी अच्छे से भीग चुका है। तो रवे को रखेंगे साइड में। सबसे पहले लेंगे मिक्सी जार और मुरमुरे का पानी निकाल निकाल कर हम डालेंगे इसको मिक्सी जार में। अब इसको हम पीस लेंगे। अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं, नहीं तो हमें मिक्सी जार अच्छे से चल नहीं पाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो इसकी सारी प्यूरी हम निकाल लेंगे एक पतीले में। उसके बाद जार में हम डालेंगे जो हमने सूजी का बैटर रखा है, सूजी के बैटर को भी हम जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसका भी एक स्मूथ पेस्ट हमें रेडी करना है। तो सारा मटेरियल हमने जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे इसका एक स्मूथ पेस्ट बन सके। हमारा इसका स्मूथ पेस्ट भी रेडी हो चुका है, इसको भी इस पतीले में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब दोनों को हमें अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। हमने दोनों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, हाफ 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। दोनों को अच्छे से आपको मिक्स करना है बिल्कुल स्मूथली, और बहुत बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बैटर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है। आप देख पा रहे हैं कितना फ्लफी बैटर है हो गया है हमारा, तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए, तभी हमारे जो डोसे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए अब चलते हैं हम डोसे को बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने एक तवा चढ़ाया है, नॉनस्टिक पैन है। अब अगर आप नॉनस्टिक पैन नहीं आपके पास, आप नॉर्मल तवे में बना रहे हैं तो भी आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है, उसके बाद पानी तवे पे छिड़क करके अच्छे से तवे को आपको पोंछ लेना है इस तरीके से। अब तवा हमारा बिल्कुल रेडी है डोसा बनाने के लिए। अब एक कलछुल बैटर हम डालेंगे, बिल्कुल तवे के सेंटर में डालेंगे हम, और इसको हल्के हाथों से फैला लेंगे। हल्के हाथों से घुमाते हुए हमें इसको फैला लेना है। अब इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो ये नाश्ता जो है झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जब भी आपको डोसा खाने का मन हो तो ये इंस्टेंट डोसा आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अमेजिंग और बहुत कुरकुरा और टेस्टी बनता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो पहले मैं आपको एक प्लेन डोसा बता रही हूँ, उसके बाद में इसके बाद मैं आपको एक दूसरा डोसा भी मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो बस हमारा ये डोसा रेडी हो गया। अगर आप अनियन खाना पसंद करते हैं तो वापस से आपको यही प्रोसेस करना है, तवे पे पानी छिड़कना है, बैटर डालना है और बैटर को इस तरह हल्के हाथों से घुमा लेना है ताकि पानी छिड़कने से तवे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। इससे हमारे डोसे जो है जलेंगे नहीं और अच्छे कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो वापस से हमने बैटर को डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी बारीक कटे हुए अनियन। अगर आप अनियन खाना पसंद करते हो तो इसको अनियन डाल के बनाइए, इससे भी ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको आलू मसाला डाल के भी बना सकते हैं या पनीर भी डाल के बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या उसका मसाला बना के आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद हो। तो मैं यहाँ पर अनियन, मैंने चॉप किए हुए अनियन, बारीक कटी हुई धनिया, इन दोनों को भी डाल दिया है।
इससे भी ये डोसा खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। चारों तरफ ऑयल लगा दिया, अनियन सॉफ्ट हो चुके हैं, ऊपर से डाल दिया चाट मसाला, इससे ये और भी चटपटा हो जाए। तो झटपट अगर आप कोई इस डोसा खाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, फटाफट बन जाता है, कोई झंझट नहीं है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हल्का फुल्का नाश्ता है, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने इसको एक टमाटर की चटपटी तीखी चटनी के साथ सर्व किया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पे। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।